मेरी गर्लफ्रेंड्स बोलती थी कि अच्छा ये बात बता रही हूँ, ये अपनी माँ से मत बता। तो ये मैं हूँ, ये मेरी माँ है और मेरा भाई चला रहा है, बहन मेरी पीछे बैठी है। आज हम सब लोग निकले हैं थोड़ा सा घूमने, मस्ती करने। अपनी प्रिपरेशन कराती हूँ छोटे बच्चों की, बस सेम वैसे ही प्रिपरेशन मैं सोच रही हूँ कि एक इन्फेंट क्लास की प्री प्राइमरी विंग की, मैं जो उनके सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज ठीक है। तो बेसिकली प्री प्राइमरी से लेकर आप 1 और 2 क्लास तक के प्राइमरी थे। अच्छा, 1-2 क्लास के बच्चों को नहीं? नहीं, प्री प्राइमरी मतलब प्री प्राइमरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कहाँ तक जाएंगे? प्राइमरी तक के बच्चों, 1-5 तक के हम लोग, मतलब पूरा एपिसोड या जो भी हम लोग वो बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे वो बच्चों के लिए, जो फ्री टीचिंग मम्मी का हमेशा से रहता था कि और हमारे घर में भी बहुत सारे बच्चों को मम्मी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम लोग का भी ये गोल है कि आगे चल के ऐसा कुछ स्कूल खोले, अगर अल्लाह ताला ने सब कुछ अच्छे से किया तो ऐसा स्कूल खोले जो मतलब फ्री चैरिटी वाला रहे, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिन लोगों को पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो आगे पढ़ करना चाहती हूँ। और मम्मी करना चाहते हैं बट वो किसी वजह से नहीं तो बिल्कुल। और अभी मम्मी वो कर रही है, तो जब होगा तब होगा, स्कूल जब खुलेगा तब खुलेगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी हम लोग YouTube चैनल पे फ्री एजुकेशन दे सकते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा। तो ये मैंने आज ही सोचा था मम्मी के लिए, पहले भी हम लोग सोचते थे, बात करते थे। तो आप लोग को सपोर्ट करना है और सबको सपोर्ट करना है, आप लोग के सपोर्ट से बस वो चैनल चले। और इंशाल्लाह फर्स्ट वीडियो हम लोग इसी हफ्ते निकालेंगे, एक हफ्ते में 2 से 3 वीडियो इंशाल्लाह आएगी और हर सब्जेक्ट वाइज आएगी। और बड़े बच्चे भी हैं मेरे पास, लेकिन मैं बड़े बच्चों के लिए अभी नहीं, क्योंकि अभी शुरुआत करूंगी स्टार्टिंग छोटे बच्चों से, तो फिर बड़े बच्चों तक। फिर वो सारी चीजें रहती है ना मम्मी, वो बच्चों का जो भी काफी क्राफ्ट भी रहता है, होता है उनका एक मम्मी मैं तो कह रहा हूँ आप एक तरह से स्टार्ट करना, जैसे कि एक शेड्यूल स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल कि मतलब क्या मतलब जिस तरह से बच्चों को एक पेंसिल होल्डिंग से लेके कैसे रेस करते हैं, बच्चे कैसे होल्ड करता है, छोटा सा बच्चा होता है मेरे पास। बेसिकली जो बच्चे आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मोस्टली वो 2.5 से 3 साल के बच्चे होते हैं, तो वो अपनी मम्मा के पास से मेरे ही पास आते हैं। हाँ। तो और सब मम्मी को भी मम्मा बोलते हैं। हाँ। हम लोग की भी आदत है, हम लोग बचपन में स्कूल में टीचर को मम्मा बोलते थे। हाँ। मम्मी हाँ। तो मम्मी के बहुत से तो मैंने देखा है, मैं हम लोग तो खैर मम्मी तो बचपन से पढ़ा रही है। तुम भाई पढ़े नहीं ना मम्मी के साथ क्लास में? तुम पढ़े हो? मम्मी मेरा पीरियड लेते थे कंप्यूटर का। अच्छा, मम्मी के बैग में हम लोग मतलब मम्मी मेरी बहन की भी स्कूल में पढ़ा चुकी है और इसके मेरे स्कूल में नहीं पढ़ा पाई मम्मी, या हम नहीं पढ़ पाए मम्मी के स्कूल में, लेकिन ऐसा रहा। तुम तो मम्मी को मम्मी बोलते थे कि मैम बोलते थे? क्या बोलते थे? अच्छा, तो मेरी मम्मी बड़ी स्वीट मम्मी। मैंने कल एक मूवी देखी परिचय, उसमें 4 हरामखोर बच्चे रहते हैं, उनको मम्मी 10-15 मतलब टीचर्स बदल चुके होते हैं, ठीक है, लेकिन उस सबको कोई चूहा पकड़ा देते हैं, ये भूत दिखा देते हैं, अब टीचर उचर सब भाग जाते हैं, तो उन बच्चों को कोई पढ़ा नहीं पाता। अरे जिसमें वो गाना है मुसाफिर हो यारो, जिसमें जितेंद्र है, तो जितेंद्र बीए किए हुए होते हैं, उनको कोई मतलब नौकरी नहीं मिल पा रही होती है, बहुत गुरबती रहती है। अब जितेंद्र ने जब इनके कोई मामा मामा बोलते हैं जाओ जाके वहाँ पे तुम टीचर बन जाओ 18वें टीचर, तो ऐसे ऐसे तरीके उसे निकाले गए थे, वो बच्चों ने ऐसे ऐसे निकाला था उन टीचरों को। लेकिन जब जितेंद्र जाते हैं तो एंड में पिक्चर में ये दिखाया है कि उन बच्चों को फ्रस्ट्रेट थे, माँ बाप मर चुके थे, उन बच्चों को प्यार की जरूरत थी, जो जितने भी टीचर्स आते थे मारते थे, ये करते थे वो करते थे, और प्यार उनको उनके पेरेंट्स से मिलता नहीं था। तो मेरी मम्मी उस तरह की टीचर है, स्टिक वाली टीचर नहीं है, नहीं मैंने कभी प्यार वाली टीचर है। हम लोग उसे कभी स्टिक नहीं हुई। लोग मतलब इनसे पढ़ते थे तो आना पसंद करते थे। ये देखो आप, यहाँ मैं वीडियो बनाया करता हूँ गंगा बैराज पे, तो मैं वहीं आ गया, सारा कैमरा थोड़ा गंदा हो गया। ये देखिए रात का टाइम, इसे कंटिन्यू करेंगे। हेलो बोलो माना। हेलो। ये मेरी बहन है अयूब है, माना
जो कि लोग इनको बोलते हैं, ये कभी मेरे साथ मैं इनको बाइक पे बैठा के लेके जाता हूँ तो लोग मेरी बहन को बोल देते हैं आपकी मम्मी जा रही थी। तो मतलब पहचान क्या लग रहा है। तो गाइज इतनी सी बात है, मम्मी का भी यूट्यूब चैनल चालू होने वाला है एंड तो मम्मी आप क्या बोलना चाहती हैं इन सब लोगों, सब लोग बहुत प्यार करते हैं और थैंक यू वेरी मच गाइज, आप बहुत अच्छे हो और बहुत। मेरी मम्मी का सबसे अच्छा टैलेंट मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी मम्मी को मिमिक्री बहुत अच्छे से आती है। मेरी मम्मी एक बार में 10-10 तरीकों से बात कर सकती है। अच्छा मम्मी आपको भोजपुरी भी आती है सुना है मैंने। मतलब कोई कह नहीं सकता है मेरी माँ बिहारी है। एक बिहारी तो सौ पे बारी, सौ पे बारी। तो मम्मी तनी भोजपुरी बोल के दिखाओ। का बोले के बा हमें बताओ। ना ना बोले के बा है के मतलब काम के बा ये लाइट में चल रहा है। हालचाल बा कैसे बाड़ा लोग, कैसन बाड़ा लोग, ठीक बनी। हाँ। और बताओ तू तनी मनी अपने बारे में बताओ, तनी भोजपुरी में बताओ का तू मतलब कहने से तोरा लाइफ स्टार्ट हो का तोरे के अच्छा लगा तोरा भोजपुरी चकमंजन हमने दोनों मिला दिया, मतलब कौन चीज तोरे के खाए में अच्छा लगा हो, कौन चीज तोरे घूमे में अच्छा लगा हो। घूमे में तो यही तेरा अच्छा लगा था, अपन परिवार के साथ घूमा था नहीं तो बहुत अच्छा लगा था, और खाए में तो वही चीज पसंद बा जो हमारी बेटी बना के खिला देने। ना 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 तो तू तो बेटी अगर तोरे दही दही बना के खिला देता तो तू ना खाई वो खा सकती दही बिल्कुल। हाँ तो का तोरे पसंद बा तू ओकरे बाद में बताओ ठीक बा। तभी अच्छा लगता है मोस्टली जो घर का खाना हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी थोड़ी बंगाली भी कर दो। पंजाबी विच गल कर ले थोड़ी बहुत पंजाबी भी आंदी है बेसिकली शी इज मतलब मम्मी प्रॉपर बिहारी है। ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। तो साड़ी माँ बड़ी चंगी सी, साड़ी माँ बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मेरे फोन का वही मैं बोलता हूँ, मेरे फोन में कोई ऐसा पासवर्ड लगा है लोगों के लिए, मेरे घर के लिए पासवर्ड कोई भी नहीं लगा है। मेरी माँ को सब बातें पता है, क्या बताऊँ हर बातें तो इनसे बता ही देता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड्स बोलती थी कि अच्छा ये बात बता रही हूँ ये अपनी माँ से मत बताओ। तो ये तो हाल है मेरा, हमारे घर में हम लोगों का कुछ भी मम्मी से कभी छुपा है नहीं, मम्मी से छुपा है क्योंकि पापा से डर था और मम्मी से हम लोग भागते। ए यार एक से डीएस कैफे में जरा मोड़ो ना, यहाँ वो कॉफी नहीं। अरे हाँ ये वही बोलता है, चलो ले चलो डीएस कैफे, यहीं पे हम लोग आना था 100K की पार्टी करने के लिए। हम लोग इधर आ चुके हैं डीएस कैफे में, थोड़ा सा कुछ स्नैक्स चाय कॉफी इधर यू एकदम उधर करके लगाओ। नहीं 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 उधर 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 आगे आगे सबसे लगाना अलग से बचाने का। आगे 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 कॉफी चाहिए और कुछ नहीं है ना, वो भी बहुत विदाउट शुगर। तो गाइज मैं डीएस कैफे में हूँ इस वक्त, यहाँ पे मुझे अपनी 100K की पार्टी करनी थी। तो भाई आओ बताओ, तो ये अपने डीएस कैफे के ओनर है, अपना नाम बताइए। नाम क्या? डीएस कैफे काफी है ठीक है। तो
यहीं पे ये डीएस कैफे है, बहुत अच्छा सा कैफे है गंगा ब्रिज पे जहाँ मैं वीडियो बनाता था, बनाता हूँ, तो वहीं पे आगे जाके मोड़ पे। तो हम लोग की यही पे प्लान था कि हम लोग 100K की पार्टी यहाँ पे करें, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाई वो पार्टी, क्योंकि 50K की इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी कि हम लोग ने सोचा कि अभी रहने दो। तो इंशाल्लाह 150K पे हम लोग यहीं पे बहुत अच्छी पार्टी करेंगे इंशाल्लाह, पूरा अच्छा से डेकोरेट करके। तो बस मैं यही यहाँ की लाइव अभी बंद कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे ठंडी हो गई यार, कोहरा निकल रहा है मुझे, मतलब मजा आएगी। तो ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे रैप अप करते हैं गाइस। तो ये थी मेरी फैमिली छोटी सी और थोड़ी सी बात, और आप लोगों को भी था, मेरी मम्मी से मिला तो मम्मी से भी मिला दिया, बहन से मिला दिया, भाई से मिला दिया, थैंक यू सो मच यार, बस आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखो, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।